हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इसमें बज रहे हैं सुबह के 9, तो घर में ना है ब्रेड और ना है कुछ और खाने के लिए, तो हम लोग बना रहे हैं। मीतू मौसी बना रही है, मैं भी बनाऊंगी ब्रेड के चीले। ब्रेड के चीले बना रहे हैं हम लोग। ओ, बेसन के चीले, करेक्शन। आज नहीं भागी है मम्मी, यहाँ पे बर्तन मार रही हैं। तो बेसिंग का बैटर में तैयार कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है डैडी कुछ उस पेड़ पकड़ने की बातें कर रहे हैं। ये चिड़िया पता नहीं। और नीतू मौसी एज यूजुअल टेंशन में। और ये रहे डैडी के ओट्स। हाँ, मेरी आँख ऐसे खराब। चलो ओट्स, चलो डैडी के पास। ओके डैडी, हम लोग घूम रहे हैं गार्डन में कुछ काम करने के लिए। कल मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि घर में हमारे आए थे मेहमान, और हम लोग वैसे बहुत मज़ा कर रहे थे। तो फिर अजीब होता है ना, कोई नया नया आया, इसका ब्लॉग लेके खड़े जाओ, कैसे आओ ब्लॉग में कुछ बोलो। अब चलो, ये लोग तो घर के ही हैं, पर है ना, तो इन लोगों तो कुछ भी कहते कुछ कहते नहीं है। और पता है, मामा आए थे ना, उन्होंने इतना प्यारा डिवाइस बनाया आम तोड़ने के लिए। मैं अभी दिखाती हूँ। एक ही लंबा सा डंडा है, फिर यहाँ पे उन्होंने लकड़ी लगाई है, और फिर यहाँ पे बॉटल बांधी है, और इस बॉटल में यहाँ पर एक छेद है बड़ा सा, तो इसमें आम आएगा और इस छेद में आम की डंडी फंस जाएगी और आम टूट जाएगा। मीतू मौसी, क्या तुम हमारे दर्शकों को इसका उपयोग करना बता सकती हो? तुमको लटका के तुम्हें तोड़ लें जिसमें मेरी जान ना जाए। लो, तो मीतू मौसी और मेरे बात करके ये हुआ है कि हम लोग आम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि आम अभी कच्चे हैं, तो हम लोग अमरूद तोड़ेंगे फॉर डेमो। तो मीतू मौसी प्लीज़ अपने कर कमलों से एक आम नहीं, अमरूद तोड़िए। हाँ, मीतू मौसी को एलर्जी प्रॉब्लम हो रहा है। कल मीतू मौसी की आँख में पता नहीं किसने काटा था कि आँख उसकी फुलौना हो गई थी, है ना। ओ, तो मीतू मौसी का चलता ही रहता है। तोड़ो फास्ट फास्ट बेटी फास्ट। ये वाला तोड़े कि कौन सा तोड़े? कोई भी तोड़ दो, सारे ही बेकार हैं अमरूद इस पेड़ के। ये क्या मतलब है? यस, ये तो अमरूद के पेड़ की बेइज्जती। और क्या? हम इसको तोड़ते हैं, जो ये ऊपर लगा है, ठीक है, हम इसको फटाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हम इसको टॉप से हाइट से इतना इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे आम को भी तोड़ सकते हैं। नन्ही अमरूद। अब मीतू मौसी कल चढ़ेगी इस गैरेज के ऊपर और हम लोग को आम तोड़ कर दिखाएगी। आम पहले पके तो। हाँ, फिर आम पकेगा तब। ऐसे में बंदर हो क्या? मैं चलूँगी। तुम्हारे अंदर वो खूबियाँ हैं, मैंने देखा है तुम्हें। इसको रख दो वहीं पर। मीतू मौसी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मिट्टी क्यों खोद रही हो? मिट्टी खोद रही हूँ, मिट्टी जो ड्राई हो गई इसको रख रही हूँ, जो बारिश में इतना पानी भर गया। अच्छा, हाँ हाँ, बारिश में दलदल हो गई। यस यस, आई रिमेम्बर। हमारे घर में सिर्फ यही तीन फूल निकले हैं। मुझे यही चीज़ जाननी थी कि हमारे घर में फिर से उन्होंने तोड़ दिया है कुत्ते को दौड़ दौड़ के, आज बंदरों के चक्कर में। वो देखो क्या है, वो जिमीकंद वाला ऊपर से सिर्फ पत्ते तोड़ दिए। अच्छा, ये जिमीकंद का देहांत हो गया। और एक बंदर क्या आया, गमले का भी नुकसान कर दिया, पौधे का भी कर दिया। ये जो बंदर से कम है वो देखो, ये लकड़ी मैंने तोड़वाई थी अमरूद की, जिसमें मैं वुड कार्विंग करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने वुड कार्विंग की यूट्यूब पे वीडियोस देखी, इतना टफ है वुड कार्विंग, मेरे पास तो टूल्स भी नहीं है करने के लिए। तो मैं सोचा है कि मैं पहले अपने नाइफ से ही ट्राई करूँगी, अगर कुछ हुआ तब मैं टूल्स लूँगी। जा रहे हैं आप? तो आप लोगों को पता होगा कि उस बिल्ली के बारे में, जो मेरी दो दिन पहले ब्लॉग में आई थी बिल्ली, जो घर में आके खाना खा रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रात में वो बिल्ली आई, रात में नहीं, शाम तक आई, और फिर वो घर में बंद रह गई, और हम लोग को पता नहीं चला कि बिल्ली घर में थी।
और छुकी को भी तब तक नहीं पता था कि बिल्ली घर पे है। तुम बोर हो रहे हो मेरी कहानी से बेटी, बिल्ली की जान भी बनाई थी और तुम उबासी ले रहे हो। तो क्या हुआ कि वो बिल्ली घर में बंद रह गई और रात में फिर सुबह जब सुबह उठी 4 बजे मीतू माँ से देखा कि छुटकी उस बिल्ली को दौड़ा रही थी पूरे घर में और बिल्ली को छुटकी ने देख लिया और छुटकी ने बिल्ली को देख लिया। फिर छुटकी और बिल्ली में हुई लड़ाई और उस लड़ाई में इतने खरोचे आई हैं और बिल्ली बन गई रांगा सांगा, यहाँ पर उसकी इतने लंबा खरोच आया है तो बिल्ली काफ़ी घायल हो गई। मुझे लगता नहीं कि इस हादसे के बाद छुकू का बिल्ली दोबारा आएगी। क्या तुमने पॉसिबल किया छुकू बिल्ली के लिए? नहीं ना, तो बिल्ली अब दोबारा नहीं आएगी और छुकू ने इसका पूरा ख्याल रखा है, उसको घायल भी कर दिया गया है। तो अब बिल्ली तब से आई नहीं है दोबारा और उसके जो जमीन में खरोचे लगे थे उसकी वीडियो मैं इसकी बात डाल दूँगी। तो अभी अभी मेरे को पता चला है कि डैडी को फिर से उस बेल को ऊपर खींचना है। हम लोग जितना भी करें हम लोग वहाँ पर उस छत पे आ ही जाते हैं। ये खींचू तुम भी आ गए चुकू। अब सब कहाँ बांधू मैं, उसको बांध के करती हूँ फिर। तो यहाँ काम कंप्लीट हो गया है, चलते हैं नीचे। चलते हैं नीचे कुमोल। तो मीतू मौसी से मैं कह रही कपड़े जाए और मम्मी बना रही हैं खाना किचन में। तो ये रही मीतू मौसी कपड़ों के तूफान में दबी हुई। कितनी प्रोग्रेस हो गई भाई, सब तुम्हें लोग कपड़े हैं, मेरे तो मुश्किल इतने कपड़े हैं, सारा डेल तुम्हें लोग है। अलग अलग बना के तुम अपने कबर में।